क्या हुआ जब उत्तर प्रदेश के एक कब्र से आने लगी आवाज, मैं जिंदा हूँ, बचाओ मुझे, बाहर निकालो। पूरी वारदात जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। और एक किसान के खेत से मिले महाभारत के हथियार, खास ताकत है इन हथियारों के अंदर। और क्या अब पाकिस्तान में हर 18 साल के लड़के की हो जाएगी शादी? और हजारों साल पहले ये दुनिया आखिर कैसे हुआ करती थी, तभी भारत का क्या हाल था? और ये चाचा फर्जी फौजी बनकर ऐसा क्या कर रहे हैं कि सब इनकी इतनी तारीफ कर रहे हैं? जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर वन, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी पद में एक किसान के खेत में खुदाई के दौरान करीब 4000 साल पुराने ताम्र निधि के नुकीले हथियार मिले। खुदाई में मिले इन हथियारों को लोग महाभारत काल से जोड़कर देख रहा है। ऑफिसर ने खुदाई में मिले इन हथियारों को किसान से लेकर जांच के लिए पुरातत्व विभाग की इस टीम को सौंप दिया। खुदाई में मिले ये हथियार काफी तेज धार के और सोफिस्टिकेटेड आकार के हैं। इसे देखकर कई वैज्ञानिक भी चौंक गए हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कमाल के तरीके से बनाए गए हैं, जो कि 4000 साल के बाद भी आज तक काफी अच्छे से इंटैक्ट मौजूद हैं। लोगों को लगता था कि पहले बस भाले और तलवार जैसे हथियार ही लोगों के पास थे, पर इसे देखकर कई लोगों को कुछ नया जानने को मिला, क्योंकि यहाँ पर काफी अजीब और अलग अलग आकार के हथियार मिले। इसमें से कुछ स्टारफिश जैसे भी हैं। नंबर टू, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ के निवासी सबीरुद्दीन का कहना है कि उन्होंने अपने बड़े बेटे इरफान का शव जिस कब्रिस्तान में दफनाया था, वहाँ उसकी कब्र के पास एक छोटा सा छेद हो गया है, जिससे गुनगुनाने की आवाज आती है। यानी उनका मानना है कि उनका बेटा जिंदा है और इसीलिए इन्होंने प्रशासन से कब्र खोदने की मांग की है। लेकिन वही मोहम्मद इकराम नाम के एक गाँव वाले का कहना है कि ऐसा पहली बार नहीं है जब ये ऐसा कर रहे हैं। उनका कहना था कि इससे पहले जब सबीरुद्दीन की बीवी मरी थी, तब भी उनके मरने के 6 साल बाद कब्र को फिर से खोदा गया था, तब भी उन्होंने कुछ दावा किया था, लेकिन वो झूठ निकला। शायद ये दावा भी झूठ हो सकता है। नंबर थ्री, साल 1000 AD में दुनिया कैसी हुआ करती थी? जाहिर सी बात है, आज के मुकाबले ये दुनिया बहुत ही ज्यादा अलग होगी। उस वक्त लोगों के पास यहाँ से वहाँ जाने का कोई खास साधन नहीं था, इसीलिए उनके लिए ये दुनिया बेहद बड़ी थी। सभी लोग ज्यादा से ज्यादा बस कुछ 40 से 50 किलोमीटर का सफर ही तय कर पाते थे, और वही उनके लिए काफी बड़ी बात होती थी। उससे आगे जो बाकी देश होते थे वो तो उनके लिए पूरी अलग ही दुनिया थी। लेकिन धीरे धीरे वो भी वक्त आ रहा था जब भारत जैसे देशों में कई बाहरी हमलावर आने लगे थे। वहीं पूरी दुनिया में फैक्ट्री जैसे किसी चीज का नामो निशान नहीं था, लेकिन तब भी भट्टियों में बड़े पैमाने पर सामान बनाया जाता था। और भारत की बात करें तो उस वक्त भारत में खान पान, कपड़े और मसाले काफी ज्यादा बनाए जाते थे, और इसी वजह से भारत बाकी देशों के मुकाबले काफी आगे भी था, क्योंकि यहाँ पर सोना भी था। नंबर फोर, हाल ही में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक काफी अजीब बिल पास करने का रिक्वेस्ट किया गया। इस बिल के अनुसार पाकिस्तान में सभी लोगों की शादी बस 18 की उम्र में कर देनी चाहिए और ये अनिवार्य करना चाहिए। अगर कोई भी शादी नहीं करता तो उसके खिलाफ सख्त कानून बनाने चाहिए। लोगों का कहना है कि ऐसा नियम बनाने से छोटे बच्चों के साथ जो यौन शोषण होता है वो होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। इसी के साथ ही ज्यादा अच्छा भी रहेगा और इससे पाकिस्तान की जल्दी ग्रोथ होगी। लेकिन जाहिर सी बात है, इस बिल को फिर से पास नहीं किया गया, क्योंकि ये लोगों को, खासकर बच्चों को, एक अटूट बंधन में बहुत जल्दी बांध लेता है। नंबर फाइव, एक बार जरा इन दोनों फोटो को देखिए। ये दोनों फोटो में आपको जो व्यक्ति दिख रहा है वो एक ही व्यक्ति है। इनका नाम है अदनान सामी और ये मशहूर प्लेबैक सिंगर होने के साथ साथ म्यूजिक कंपोजर भी है। लोगों को इनके गाने काफी ज्यादा पसंद आते हैं। इनका वजन पिछले कई सालों से काफी ज्यादा था, जिसकी वजह से कई लोग इनका मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन इनकी आवाज ने इनकी काफी अलग पहचान बनाई थी। पर आपको पता होगा, ज्यादा वजन होना शरीर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, इसलिए अपने वजन को कम करने की सोची और इन्होंने करीब 230 किलोग्राम वजन कम किया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। सुनकर तो इस पर यकीन नहीं होता, लेकिन इनकी फोटो देखकर आपको जरूर यकीन हो जाएगा। और इन दिनों ये फोटो काफी वायरल हो रही है। नंबर सिक्स, कई बार ऐसे संजोग हो जाते हैं जिसे देखने के बाद हमें भी यकीन नहीं होता। रॉबर्ट लेन नाम का एक आदमी था जिसके दो बच्चे थे और दोनों लड़के थे। एक का नाम उसने विनर रखा था और दूसरे का नाम उसने लूजर रखा। लेकिन बड़े होकर पासा काफी पलट गया, क्योंकि जिस बच्चे का नाम विनर रखा था वो बड़े होकर एक क्रिमिनल बन गया, और वहीं जिस बच्चे का नाम लूजर था वो एक डिटेक्टिव बन गया। और आगे जाकर माना जाता है विनर नाम वाले बंदे को लूजर नाम वाले डिटेक्टिव ने ही पकड़ा था, यानी कि क्रिमिनल को उसी के डिटेक्टिव भाई ने पकड़ा था। नंबर सेवन, पाकिस्तान में एक दिन जेसीबी से काम हो रहा था, अचानक से ये जेसीबी खराब हो गई। इसके बाद वहाँ पर दूसरी जेसीबी लाई गई। जैसे ही दूसरी वहाँ पहुँची तो आसपास के पेड़ों से बहुत आवाज आने लगी। जब लोग पास गए तो देखा कि वहाँ पर बहुत सारे बंदर मौजूद, जो कि जोर जोर से चिल्ला रहे थे और पेड़ को हिला रहे थे। और जैसे ही जेसीबी खोदने लगी तो कई बंदर जमीन पर आ गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे। इसके बाद वन अधिकारियों को भी बुलाया गया, लेकिन वो बंदर वहाँ से भागे नहीं बल्कि जेसीबी के ऊपर हमला करने लगे। इसके बाद जेसीबी और भी आगे खुदाई करने लगी, पर बंदर जोर की आवाज करने लगे। ऐसे में खुदाई के वक्त वो खंडहर के पास पहुंची और खंडहर के नीचे खोदते वक्त उन्हें जमीन में से हनुमान जी की बहुत ही ज्यादा पुरानी मूर्ति मिली। इस जगह को और खोदा गया और यहाँ पर और भी कई प्राचीन मूर्तियां मिली, और पता चला हनुमान जी का काफी पुराना मंदिर, और इसीलिए बंदर इतनी शोर कर रहे थे। नंबर एट, एक बार जरा इस चाचा जी को देखिए। ये धूप में खड़े हैं तो इन्हें देखकर आपको ये लग रहा होगा कि ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है। ये
पिछले 4 साल से ट्रैफिक पुलिस की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन ना ही इन्हें कभी पुलिस में अपॉइंट किया गया है और ना ही इन्हें पगार मिलती है। ये ऐसा बस लोगों की सेवा करने के लिए कर रहे हैं। इनका कहना है कि इस चौराहे पर कोई भी पुलिस या फिर ट्रैफिक हवालदार खड़ा नहीं रहता, इसीलिए इस काम को इन्होंने अपने सर ले लिया। ये पुलिस वाले नहीं है, इसके बाद भी लोग इनकी इज्जत करते हैं और इनकी बात को मानते हैं। इनके पास से भी कई बार पुलिस गुजर जाती है, लेकिन एक बस पुलिस ही है जो इनको इज्जत नहीं देती। यहाँ पर इतनी धूप है कि हम 10 मिनट खड़े नहीं रह सकते, ऐसे में ये पूरे दिन फ्री में खड़े रहते हैं।